अभी हमारे गजेंद्र फोगाट भाई जी हैं, हमारे मंडल निदेशक है रोहतक के, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि नए कलाकारों को मौका देना अति आवश्यक है। लगातार कई सालों से पुराने कलाकार आगे बढ़ रहे थे, नए कलाकार भी बहुत सारे हैं लाइन में, उनको मौका दिया भाई साहब ने। बहुत अच्छी पहल की है कि आने वाले समय में जो हमारी जो पुरानी हरियाणवी संस्कृति थी वो जीवित रखने के लिए नए कलाकारों को भी आगे आने का प्लेटफॉर्म गजेंद्र भाई ने दिया। गजेंद्र भाई अपनी पोस्ट पर रह करके अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। गजेंद्र भाई जी एक अच्छे इंसान है, कभी कलाकारों के पास साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखते। गजेंद्र भाई के साथ तन मन धन से साथ जुड़े रहेंगे, जहां भी हमारे को बुलाएंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पतिदेव द्वारा बनाई गई विलक्षण एक सार्थक पहल समिति का एक कार्यक्रम था, और आज जो मुझे मेरे सौभाग्य से मुझे सम्मानित इन्होंने किया है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, महावीर गुड्डू जी हमारे बीच हैं, और जितने भी राजकुमार जी अच्छे आर्टिस्ट हरियाणा के जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री राम के जीवनपुरिया जी, रणवीर बड़वासनिया जी, रविंद्र मलिक जी, बहुत अच्छे अच्छे महामी आर्टिस्ट कार्यक्रम में आए हुए हैं, और उन सबके हाथों से मुझे सम्मानित करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेले लगते रहने चाहिए। हरियाणा सरकार आज भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव हो, चाहे वो 1 नवंबर का हरियाणा डे हो जिसकी पूर्व संध्या पे पूरे हरियाणा के कोने कोने में कार्यक्रम कराने की बात हो, या फिर ट्रेड फेयर और सूरजकुंड मेला हो, तो हरियाणा सरकार हमेशा कलाकारों को हर जगह काम देने के लिए और कार्य उनका अच्छा कल्चर देखने के लिए हमेशा ललायत रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे महमीय कलाकारों को हमेशा आगे रखा है। आगे भविष्य में भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल सर पे है, दिसंबर के मध्य माह में, आपने खुद भी देखा भी है मीडिया ने कि पहले भी 3 बार हम इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के जरिए 34 देशों के लगभग 1500 कलाकार रोहतक में भी आए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे समागम मेले लगते रहेंगे, प्रेम की गंगा बहती रहेगी, और बेशक कोरोना आए या कोई और आंधी तूफान आए, कलाकार नहीं हटेंगे, नहीं डिगेंगे, और हरियाणा सरकार की इस पहल के हमेशा साथ रहेंगे। कला के माध्यम से हमेशा हम ये प्रचार और प्रसार करते रहेंगे, कितनी भी तकलीफें आएं हमें हंसते रहना चाहिए, हमें खिलखिलाते रहना चाहिए, हमें नाचते गाते रहना चाहिए। मुसीबतें आती रहती हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया घेर रखा है। आज लंदन में 3री बार लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, पर हरियाणा में सूरजकुंड मेला और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की तैयारियाँ जोरों पर हैं। ये बात इसी का द्योतक है कि हम भारत के लोग बहुत मजबूत हैं, और इससे पहले भी दुनिया भर की विश्व युद्ध आए, लड़ाइयाँ आई, महामारी आई, पर भारत कभी नहीं झुका, इसीलिए भारत विश्वगुरु है। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने युद्ध हुए उनके साक्षी हैं इतिहास के, चाहे गूगल से, चाहे किसी और भाव से, लेकिन उनके बीच से कोई संदेश नहीं निकला। केवल हमारे यहाँ महाभारत का ऐसा युद्ध हुआ जहाँ से गीता का ज्ञान निकला, जिससे आज पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे ऐसे युद्ध होते रहने चाहिए। सीता कैसे वापिस आती, यदि प्रभु क्रुद्ध नहीं होते, देवासुर संग्राम ना होता, तो मन शुद्ध नहीं होते, पापी सब कुछ पी पा जाते, यदि युद्ध नहीं होते और भीतर युद्ध नहीं लड़ते तो गौतम बुद्ध नहीं होते। हमारे यहाँ के गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को यह प्रचार और प्रसार किया कि बाहर के युद्ध नहीं, भीतर के युद्ध भी लड़ो और परमपिता परमात्मा की गति तक प्राप्त आप कर सकते हो।